हर सरकार सफलता का फार्मूला ढूंढती है। प्रजातंत्र के अंदर चुनाव कैसे जीता जाए, उस सफलता का फार्मूला ढूंढा जाता है जो कि पूंजीपतियों के जरिए ढूंढ लिया गया है। अच्छा। और पूंजीपति लोगों ने चंदे के रूप में बीजेपी को इतना मजबूत कर दिया है और आइडियोलॉजी इतनी जबरदस्त इसराइल की तरफ से आई है इनके पास में कि जितने मधुर संबंध भारत की जनता के पास में पिछले 14 वर्षों पहले थे, 10 वर्ष पहले थे, वो अब नहीं रहे। लोग आपस में इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि अपने आप को जीवित रहना ही विकास मान रहा है वो लोग, जो लोग जिन लोगों की जान जोखिम के अंदर है, और वो लोग जो बेरोजगार हैं उन लोगों में से चंद लोगों को गवर्नमेंट अपना भक्त बना लेती है। अच्छा। उनको चंद पैसे देकर उनके परिवार को चलाती है और वो लोग क्या उद्योगपति भाई साहब जो बोल रहे हैं उद्योगपति जो ब्यूरोक्रेट होता है ना देश का, वो इकोनॉमी को वैसा ही जिस देश में ज्यादा रिच लोग होते हैं उस देश की इकोनॉमी बढ़िया रन करती है। दूसरी चीज ये लोग बार बार करते हैं वो गद्दार धोनी ना, अडानी शोर मचाते अंबानी, ये जो क्रांति लाने वाला, मेरी बात सुनना पूरा, आपकी सुनी ना, अगर आप दोबारा बोलोगे फिर सुन लूंगा। मेरे कहने का मतलब ये नेट की जो क्रांति लाने वाला अंबानी था, आपको डाटा फ्री दिया, फिर आपने 1.5 GB 2 GB रोज डेली ले रहे हो, दिन भर इंटरनेट चला रहे हो, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना। अगर ये चीजें नहीं होती आपके पास कहां से आता, लोग टीवी कहते हैं ना गरीबों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है उद्योगपति का। एक चीज बताओ, वो राइट ऑफ नहीं किया कर्जा उद्योगपति का, जब साफ इनके पास कोई सटीक डाटा नहीं है क्योंकि लेफ्ट उसको कराया है कि ऐसा अजीब और रिकवरी हो रही है, तो ये कहते हैं कि माफ कर दिया, कहां से माफ हो गया। नीरव मोदी भागा, प्रधानमंत्री के पास मोदी भागा, नीरव मोदी पैसे 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 लेके भागा। अरे भाई अब तो बीजेपी गवर्नमेंट है। एक चीज सुनिए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, सनातन धर्म से हूँ। जो जो ये बोलते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अरे पहले नीरव मोदी को तो ले आओ, विजय माल्या को तो ले आओ, राम को तो आप एक बार बताइए, जो नीरव मोदी और माल्या को लाने की हैसियत ही रखते क्या वो राम को लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते। जब तक आम जनता पार्टियों में उलझी रहेगी, बीजेपी में कांग्रेस में, उनका कभी भी विकास नहीं हो सकता। क्या लगता है, कह रहे मोदी जी के रहते हुए विकास नहीं हो सकता देश का? ऐसा है, ये जो पहले पहले तो इनके ना, एक मिनट, अरे क्वेश्चन तो कर ही लिया, उसका तो जवाब लो। एक मिनट, एक बात आइए, सुनिए ये बोलते हैं बीजेपी वाले कि हम राम को लेके आए हैं। अरे भाई, जो विजय माल्या को ले आओ, नीरव मोदी को लेके आओ, अगर तुम्हारी विजय माल्या को लाने की हैसियत है नहीं और राम को लाने की बात करते हो, वो बहुत बड़ी चीज थे भाई। राम बोल लिया आपने, जवाब जवाब लेना है। ये नहीं बोला कि महिलाओं को, एक बार फिर लगा लो और बोल रहे हैं कुछ, बस सुनो मेरी बात, आप सुनो जो कह रहे हो, नीरव मोदी और उसको लाए नहीं, जब ये गवर्नमेंट आई तो भग गए ये लोग, समझ रहे हो, उनके सांसद। दूसरी चीज, उसका इसकी पॉलिसी थी ना खाएंगे ना खाने देंगे, उन्होंने कहा कि खाओ और खाने दो, उनकी पॉलिसी वो थी। जब पॉलिसियां इस तरह की आती हैं तो ऐसे लोग भाग जाते हैं। अगर भाग गए वो, ठीक है, उनकी रिकवरी नहीं हुई क्या? हुई ना, और वो खुद उसने बोला माल्या ने 1400 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, तो जब रिकवरी कर रही है RBI यार, तब रिकवरी हो रही है ना। अब पनिशमेंट जब लेके आओ ना, यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा उसको, जेल में डालो, क्यों नहीं लेके आ रहे हो यार? इनकी नीरव मोदी विजय माल्या को लाने की हैसियत है नहीं यार, धर्म की बातें करते हैं यहाँ पे, क्या बात करते हो यार? सुनो सही, इनको खुद को नहीं पता। हाँ। अच्छा। राम जी और लक्ष्मण जी गए थे वन में, सीता को उठा के गया रावण, मरा कौन? बानर। तुम लोग सारे गरीब बानर हो, तुम मरोगे राजवोग, रियल है, रियल नहीं तो मिला हाथ में हाथ। बात वो कर रहे थे, क्या लग रहा है, बोले जा रहे कि युवा का सपना तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बात बोलूं, एक मिनट शांत रहोगे, जो कहते हैं ये लोग बेरोजगारी का पैमाना कहां से नाप रही, फिर आप बोलने नहीं देते यार, आप लठ लेके बाहर हो। मैं कह रहा हूं कि ये जो बेमान जो ये लठ लेके सड़कों पे आएगी, सरकार से सवाल करेगी, आप कौन बोलते हो? आप पूछ लो, पूछ लिया उसका जवाब तो लो। मैं तुम्हारे से मैं उनको जानता हूँ, तुम आप शांत रहो, उनको बहुत अच्छे जानता हूँ। सुनो मेरी बात, ये कहते हैं जो बेरोजगारी का पैमाना है इससे नापते हैं कि अगर मान लो 60,000 वैकेंसी यूपी में निकली और 5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जो 60,000 लोगों को नौकरी मिल गई बाकी बेरोजगार हो गए। अरे भाई ना, रोजगार का मतलब ये थोड़ी ना सरकारी नौकरी मिल गई तो तुम्हें रोजगार मिल गया, रोजगार का मतलब है कि आप स्किल डेवलप करो, आप और भी क्षेत्र है, आप और भी फील्ड है उसमें जाओ और अपनी जॉब ढूंढो। वर्षों के बाद भर्ती निकली, फिर
पेपर लीक हो गया, ये सरकार की तो भूल हुई। अब मैं आपकी डिबेट को गई हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बनारस के सारे युवा दारू पी के, मेरे को उनका भविष्य बनारस का दिखा मेरे को, कि वो सारे दारू पीते हैं और पी के रोडों पे भटक रहे हैं। जब अब मेरे को तो डर लग रहा है भैया, तुम्हारी रैली मेरी गोरखपुर ना आ जाए, नहीं तो हमें शराबी बना दोगे। भाई बोल रहे हैं मैंने अभी कोलगेट की कंपनी से पेस्ट भी नहीं करा 15 साल से, 10 साल से मेरे पास पैसे नहीं है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई। पूछो किससे कर रहे हैं बताइए, इनके पास पैसे नहीं है बेचारों के पास, क्या होगा इनका, ये डेवलपमेंट होगा इनका। हाँ हाँ नहीं नहीं एक बात बताओ, मैं किसान हूँ, सुनिए इन्हें बोला कि हमने 2 लाख आदमी का नौकरी दिया, 5 लाख आदमी आ गया, तो कम से कम 50,000 आदमी को नौकरी तो मिलना चाहिए। अरे रुक, चुप चुप कर जाए यार, जो पूछ रहा हूँ तेरा सारा डिटेल देख लूंगा, ठीक है। राम बानर को मरवा दिया है, वही मेरी क्या पूछ रहा, जहाँ पे आपने राम मंदिर बनाया वही सीता को लाया, वहां से बनवा दे दिया, कहा पंजाब में अमृतसर में, वहां पैदा कौन हुआ, कोख में एक औरत को, बच्चे थे उसको बनवा दिया, कहा अमृतसर में, वहां पैदा हुआ लव लव। और अभी तो रोजगार, रोजगार हम बता रहे हैं इनको, उस राम का याद दिला रहा हूँ, जिस राम की उसकी कर्तव्य देख, उसकी कर्तव्य देख। इनको हमें पता नहीं हमारे राम का दादा कौन था, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, जब उसको बनवा दे दिया, ठीक है, वहाँ पल के बसा एक छोटे कास्ट में, कितना छोटे कास्ट में, जो मंदिर में जाता है उसको बोलता है मेरा मंदिर दुरुस्त हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वही वाल्मीकि के पास रहा, वाल्मीकि क्यों नहीं मंदिर में घुसने देता है, कहता हम राजपूत है, हम पंडित है, हम ये है, सब कहता सब का, मैं इनको जवाब देता, पहले सुन को लो, अब जवाब ले ले, पूरी सुनो, जवाब दूंगा, सुनो, ये इन्होंने ये अद्धी पौनी बात कर दी, अद्धी और पौनी पूरी बात तो हुई नहीं, लेकिन इन्होंने जो बात करी वो छोड़ो, हम थे, हम जिस डिबेट पे थे, हम जिस पे थे, अच्छा राम 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 नहीं, राम का डेफिनेशन, एक बोलने दोगे, सुनो सुनो सुनो, बोलने बोलने नहीं दोगे, तो जवाब दूंगा, एक सेकंड, आपको देखो, हमने तो ये सीखा है, हमने वो बयान देखे हैं, राजा राम ने कहा कि हम जो राम शांत कांग्रेस के प्रवक्ता है, सुनो आप सुनो, राजा राम ने कहा, फिर वही वाली बात, राजा राम ने सुनो ना, राजा राम ने, इसीलिए राम का नाम आ गया, राजा राम ने कहा हम वहाँ लैटरिन करने नहीं जाएंगे। उसके बाद ये जो भरत सिंह सोलंकी कहते हैं कि ये तो दारू पी जाते हैं चंदा इकट्ठा करके, सुन फिर बात सुनो, ठीक है, और यही यही जो पूछ रहा है अंदर, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, 48 लाख एप्लीकेंटों का भविष्य खतरे में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब कौन देगा? एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, उसका जवाब कौन देगा? एसीटेट का पेपर लीक हो जाता है, उसका जवाब कौन देगा? ये बताइए, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी, यूपी के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में इतना दम नहीं रहा, फेल हो गई, फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन, मणिपुर के अंदर मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ, जवाब जवाब डबल इंजन की सरकार, डबल बेरोजगारी बोला जा रहा है, डबल इंजन की सरकार मतलब डबल बेरोजगारी। हाँ जी ऐसा है, ये कह रहे हैं पेपर लीक हो गया, उन्होंने या जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने कहा तत्काल ये पेपर कराए जाएंगे, नए रोल नंबर इशू होंगे, और जो कन्वेंस लगा के लोग आ रहे हैं उनको कन्वेंस भी नहीं, उनको फ्री बस पास देंगे और वो लोग आएंगे। गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे कर रही है, और जो दोषी है उनको पकड़ा भी गया। अब तुम ये कहो कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों पेपर लीक करने वाला नहीं कर गया? जनता को गुमराह मत करो, जनता को गुमराह मत करो, जनता को गुमराह मत करो, मत करो, अभी कोई दोषी नहीं पकड़ा गया। नहीं 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 नहीं, मैं आपका दोगलापन उतार रहा हूँ।